दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, कृष्ण की मृत्यु के पीछे का रहस्य क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका NH Point YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जरा भील के तीर लगने से हुई थी। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि जरा भील ने कृष्ण पर तीर क्यों चलाया, इस प्रश्न का उत्तर भी इस वीडियो में मिल जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों कहा जाता है कि भील एक ऐसी कौम है जो अगर मित्रता कर ले तो मित्रता निभाने के लिए अपनी जान तक पर भी खेल जाती है, जिसका एक सुंदर उदाहरण महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील का है। और भील अगर सुत्रता पर उतर आए तो अपना बेर 7 पीढ़ियों तक चूकते हैं, और यही हुआ कृष्ण और जरा भील के बीच। अब आप सोचते होंगे कि जरा भील और कृष्ण के बीच क्या दुश्मनी थी, तो रुकिए जनाब, एकलव्य की ओर ले चलता हूँ मैं आपको। एकलव्य का अंगूठा द्रोण द्वारा गुरु दक्षिणा में ले लिया जाता है, और फिर भी एकलव्य ने अपने राज्य रक्षा के लिए बिना अंगूठे के तीर चलाना सीख लिया था और राज्य विस्तार के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया, जिसका मैं पिछले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जरा भील ने कृष्ण पे तीर क्यों चलाया था, कमेंट कर जरूर बताना। आक्रमण से कृष्ण की सेना में हाहाकार मच गया, फिर क्या, कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। जरा भील भी एकलव्य के कुल का ही था, और यही दुश्मनी थी जरा भील और कृष्ण के बीच। किंतु दुश्मनी यही नहीं थमी दोस्तों, भीमा पांडव ने एकलव्य के बेटे जो उत्तराधिकारी बना था एकलव्य के बाद, उसका भी वध कर दिया था। अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी, मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।